अच्छा, अगर हाइकिंग पे जाने का इरादा बना ही लिया है तो कुछ ज़रूरी असूल सुन लो। हाइकिंग सुबह टाइम बेस्ट रहती है, इसलिए रात को टाइम से सो जाना चाहिए। हाइकिंग से पहले नाश्ता बिल्कुल नहीं करना। एनर्जी चेक कर रहे हो स्टार्ट में, सारे भी कैसे ठाटे मारते हुए यहाँ से स्टार्ट में, सारे ऐसे ही होते हैं, ऊपर जाके मैं दिखाऊंगा इनका। और रही बात खाने की, वो ऐसे है कि रात को थोड़ा अच्छा खाना खाकर सो जाओ, या फिर सुबह थोड़ा जल्दी उठ के हल्का फुल्का कुछ लाइट सा खा। तो हम थोड़ा सा ऊपर आ गए और अभी हमने वो इधर जाना है, ऊपर इधर जाना है। अच्छा, अभी हम चल रहे हैं ट्रेल 3 के फास्ट ट्रैक पे। फास्ट ट्रैक का फ़ायदा ये होता है कि ये शॉर्ट होते हैं, इनमें जो मसला होता है वो ये होता है कि ये स्टीपर बहुत ज़्यादा होते हैं और आपकी एनर्जी अच्छी खासी ले लेते हैं। लोगों ने नहीं किया, ये कुदरती हुआ है। लो भाई, वो टाइम आ गया जिसका मैंने नीचे जिक्र किया था, एनर्जियाँ सबकी हो गई हैं ख़त्म। अभी हम तकरीबन 50% आ गए ऊपर और 50 और रहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा थक गए हम। अभी हम कहाँ पे और कितना रह गए? अच्छा, यहाँ के सब लोग कह रहे थे कि 50% हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। ये रेस्ट एरिया 2 का 50% कह सकते हैं। कब से आ रही हैं? नहीं, 2010 आई गेस। काफ़ी फर्क आ गया। कैसा था ये वाला ट्रेल? भाई जान, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी तक? बस थोड़ा ऊपर गया, सोचो कि रूम मेरी यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी। ठीक हो गया। आपका सांस नहीं चढ़ता? आपका सांस नहीं चढ़ता? नहीं, मुझे सांस तो नहीं चढ़ता। इससे क्या वजह? इसकी वजह ये है कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता। हम तकरीबन 65% ऊपर आ गए और बाकी थोड़ा सा रह गए। लोग कुछ आगे हैं, कुछ पीछे हैं, मैं कहीं मेड में हूँ, तो चलते हैं। अच्छा, इतनी हाइट पर आपको इस्लामाबाद का बड़ा अच्छा व्यू मिलना शुरू हो जाता है। वो सेंटोरस है और ये फैसल मस्जिद है यहाँ पे। अभी हम किसी रास्ते पे आ गए जो थोड़ा सीधा सीधा सा है। ट्रैक शायद ख़त्म हो गया, वो जो स्टीप था काफ़ी, वो अब बहुत कम हो गया है। कम क्या मतलब, वो नीचे नीचे को जा रहा है लेकिन आगे उल्टा दोबारा कम है। वैसे स्टीप पर इतनी हाइट पर आने के बाद लोगों को ये ख्याल आना शुरू हो जाता है कि आज अगर मैं सो जाता तो शायद बेहतर रहता। अभी हम तकरीबन आप से ज़्यादा हो गए शायद, 90%। कह तो रहा है ये किधर पास ही है, जाके देखते हैं फिर। यहाँ आने के लिए ना टांगों में अच्छी खासी जान चाहिए। अभी हम डाउनवर्ड जा रहे हैं और हवा ठंडी वगैरह चल रही है। अब यहाँ से थोड़ा इजी हो गया, टांगें भी रिलैक्स हो गई हैं क्योंकि अब डाउनवर्ड जा रहे हैं। चलो, ये जो हाइट है ना, ये सेकंड लास्ट हाइट है। हम ना किसी गलत रास्ते पे आ गए थे, अब पता नहीं इधर जाना है या उधर। अभी हम वापस जाके देखते हैं क्या सीन है। थोड़ा सा आगे ताकि नहीं आए, बस जाके देखा है क्योंकि नॉलेज में इजाफा करना चाहिए। ठीक है,
अगर आपका वज़न थोड़ा ज़्यादा है तो इस रास्ते से आप नहीं आ सकते। माल्टा खाएगा? माल्टा आम खाएगा? आम आगे किसी का गांव शामिल रहते हैं कलर के बंदे बैठे पैर के आखरी वो इधर से ले के उधर जा। अच्छा ये हैं यहाँ के मेहनती लोग, ये खड़े हैं, ये भाईजान, ये वाले, ये लोग ये सामान वगैरह उठा के लाते हैं आसपास गांव से अपने। कुछ नीचे बैठे हुए हैं तो बता रहे हैं काफ़ी दूर से ले के आते हैं लोग ऊपर पैदल, तो ले लो यहाँ से अगर कुछ लेना हो तो। अब यहाँ से कितना रहेगा ऊपर? यहाँ से कितना ऊपर सर, इनसे पूछे ना। हाँ भाई जान आप बताएं, इधर आए जरा वीडियो में। 10 मिनट इधर बैठे और तू सुना 10 मिनट हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, तुसने 10 मिनट, तुसने 5 मिनट जी। अच्छा, ये यहाँ पे ये फ्रूट वगैरह बेचते हैं तो इनसे पूछते हैं कि ऊपर कितना रह गया, आप बताएं। 10 मिनट कह रहे हैं, 10 मिनट, अगर 10 मिनट से ज़्यादा लगे तो मैं ऊपर जाकर बताऊँगा, लेकिन फिलहाल कह रहे हैं तो मान लेते हैं। 10 मिनट ना लगे तो गल करें, असने 5 मिनट, 10 मिनट बाहर रोड ने, इनके 5 मिनट और हमारे 10 मिनट, वो हमारे हिसाब से टाइम बता रहे हैं। 10 मिनट बाहर रोड ने मनाल के, मतलब यहाँ से ट्रैक मनाल तो नहीं आएगा, रोड आएगी ना? नहीं सर, पहले तो जिसे होते लाल मंटाना सी। लाल मंटाना। अच्छा ठीक हो गया, चलो फिर चलो। हाँ अभी हम पहुँच गए हैं तकरीबन, वो सामने मनाल है। हाँ अभी हम पहुँच गए हैं, वो बंदा ठीक कह रहा, तकरीबन 10 मिनट ही लगे, वो पीछे मनाल है, इसके पीछे निशान के पीछे। चलो जाने ना वो खाना। ये है जी ला मोटाना का ब्रंच मेन्यू। हम मनाल भी गए थे लेकिन उनका मेन्यू हमें कोई ख़ास पसंद नहीं आया, तो हमने कहा चलो इनसे ले लेते हैं। दोनों का तकरीबन 1000 रुपीज़ पड़ता है, मतलब 1000 रुपीज़ दो और जितना मर्जी खा लो, मतलब जितना एक बंदा खा सके। फ़ौरन ही सब नहीं खा लेना चाहिए, इसलिए स्टार्टिंग के लिए मैं सिर्फ ये डाल के लाया था। इन सब लोगों को जिस शख्स ने सुबह सुबह नींद ख़राब करके हाइक पे बुलाया था, मैंने सोचा उनका छोटा सा एक इंटरव्यू कर। अच्छा आप बताएं आपको क्या सोच ये सब कराने के लिए? एक्चुअली हम थोड़ा सा ऊँचा बोलें क्योंकि मेरा अच्छा नहीं लगा हुआ माइक। एक्चुअली 2012 से हमने स्टार्ट किया है, तो उसके बाद वैसे कुछ हेल्थ एक्टिविटीज कराने का शौक था, क्योंकि खुद हेल्थ थोड़ी ख़राब होगी, डॉक्टर ने कहा हेल्दी एक्टिविटीज करें, तो हमने कहा हम खुद भी सुबह सुबह उठे हैं, लोगों को भी खाएँ एक संडे के लिए। तो 2012 से स्टार्ट की हाइकिंग एक्टिविटीज PTH एडवेंचर क्लब के नाम से। तो बस लोगों के चार्ज करते हैं आने का? नहीं कुछ भी नहीं करते, बस हम लोगों को सिर्फ मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करते हैं, चाहिए पैसे आप देते हैं? हम नहीं दिए, तो मोटिवेट करते हैं तो ले आते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं, हम कहते हैं कि चलो कभी दे देते हैं, कभी लोग खुद भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारा यही मोटो है कि लोग। लेकिन हमने जो खाना खाया उसको दिल में नहीं, आप उठाते हैं। राउंड 1 हमने कर लिया, अभी खाने का राउंड 2 करना है। अच्छा नीचे जाने के काफ़ी ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इस तरह का कोई डाला रोकें, उसे 50 रुपये दें और नीचे पार्किंग में उतर जाएं। आप हाइक बैक करके भी वापस जा सकते हैं, इन डालों में थोड़ा सा बस टांगे जमा कर खड़ा होना पड़ता है। ये थी हमारी आज की एपिसोड, फिर मिलेंगे अगली एपिसोड में।